अंतरिक्ष का अंतिम सीमा कहाँ है वो जानना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। यहाँ तक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का विस्तार भी हम कल्पना नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में ही अनगिनत सौरमंडल और ग्रह हैं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अंतरिक्ष के लाखों लाखों गैलेक्सी में कितने सौरमंडल हैं? अंतरिक्ष के कोई भी कोने से पृथ्वी को ढूंढ पाना जितना मुश्किल है और वक्त जाया कर है, उतना ही मुश्किल है पृथ्वी जैसा कोई ग्रह को ढूंढ पाना। पर इस विशाल महाकाश में पृथ्वी के जैसा कोई और ग्रह का उपस्थिति भी नामुमकिन नहीं है। तो पृथ्वी के अलावा क्या कहीं जीवन मौजूद है? ये सवाल ही वैज्ञानिकों को बार बार उत्साहित किया है दूसरे पृथ्वी के खोज में। हम ज्यादातर लोग जानते हैं कि बाहर की सौरमंडल से पृथ्वी में कई बार सिग्नल्स आ चुके हैं और वो सिग्नल्स वैज्ञानिक और आम जनता के मन में किसी दूसरी पृथ्वी के होने का सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पृथ्वी से भी कोई ऐसा सिग्नल भेजा गया है? हाँ, भेजा गया है, और एक बार नहीं बार बार भेजा गया है और आज तक भेजते आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सिग्नल्स के बारे में बताएंगे जो पृथ्वी से दूसरे ग्रह में भेजा गया है, दूसरे ग्रह में जीवन की खोज में। पर उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सिग्नल्स अंतरिक्ष से पृथ्वी में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप देख रहे हैं वर्ल्ड नीड्स टू नो द मार्स मैसेज। पहले ही जिस मैसेज के बारे में बात करने वाले हैं वो है मार्स मैसेज। इस लिस्ट में मार्स मैसेज को सबसे पहले रखा गया है क्योंकि ये पृथ्वी से भेजा गया सबसे पहला मैसेज है जो एलियन लाइफ को जानने के लिए भेजा गया था। 1962 में एवापेटोरिया प्लैनेटरी रडार से इस मैसेज को शुक्र ग्रह की ओर भेजा गया था। ये मैसेज एक विशेष तरह का कोड है जिसका नाम है मॉर्स कोड, और ये मैसेज था मीर लेनिन एंड SSSR। मीर का अर्थ है शांति और पृथ्वी, और लेनिन एंड SSSR का अर्थ है रसिया और सोवियत यूनियन। इनमें से मीर मैसेज को भेजा गया था 24 नवंबर 1962 को। इसको साथ में मीर लेनिन एंड SSSR बुलाया जाता है। रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से इसे भेजा गया था जो शुक्र ग्रह में पहुंचा था। फिर शुक्र ग्रह को क्रॉस करके ये HD131336 ग्रह की ओर बढ़ रहा है। एरिसिबो मैसेज। एरिसिबो एक इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज है जिसको 1974 में भेजा गया था मेसियर 13 और M13 ग्लोबुलर क्लस्टर की ओर। इस एरिसिबो मैसेज का एक विशेषता है कि इसमें इंसान प्रजाति और पृथ्वी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पृथ्वी टेक्निकली कितना तरक्की किया है, अंतरिक्ष में हमारा बेसिक पोजीशन, हमारा विस्तार, ये सब, ताकि बाहर की कोई उन्नत जीव हमारे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पा सके। इस मैसेज को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव के द्वारा सेंड किया गया था। इस मैसेज के 7 भाग है जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। नंबर 1, नंबर 1 से नंबर 10, नंबर 2, एटॉमिक नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, जिससे डीएनए या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है, जिसको बैंगनी कलर में समझाया गया है। नंबर 3, डीएनए का फॉर्मूला, जिसको ग्रीन कलर से समझाया गया है। नंबर 4, डीएनए का इंफॉर्मेशन। नंबर 5, इंसान की आकृति, डायमेंशन, जनसंख्या, जो लाल, नील और सफेद कलर से समझाया गया है। नंबर 6, येलो कलर से सौरमंडल और जिस ग्रह से मैसेज को भेजा गया था उसको समझाया गया है। नंबर 7, वायोलेट, व्हाइट एंड ब्लू कलर के माध्यम से एरिसिबो टेलीस्कोप एंटेना एंड डायमेंशन को समझाया गया है। 1679 बाइनरी डिजिट्स के इस्तेमाल से इस मैसेज को भेजा गया था। 2019 साल की अगस्त मंथ में यूके की एक क्रॉप सर्कल में इस मैसेज का एक रिप्लाई आता है जिसकी लंबाई थी 75 फीट और जिसकी चौड़ाई थी 120 फीट। ज्यादातर लोग समझते हैं ये एक प्रैंक है और कोई सबको विभ्रांत करने के लिए ये बनाया है। फिर भी SETI
इसको गौर में रखते हुए उस प्लैनेटरी सिस्टम की ओर और एक मैसेज भेजा। कॉस्मिक कॉल 1। साल 1999 में कॉस्मिक कॉल 1 नाम का एक मैसेज अंतरिक्ष में भेजा गया था कुछ प्लैनेटरी सिस्टम की ओर। 1999 के 24 मई को जो मैसेज सेंड किया गया था वो HD 186408 नाम के एक ग्रह के ओर भेजा गया था, जो मैसेज 2069 साल में वहां पहुंचने वाला है। उस साल में ही 30 जून को सजिटा कॉन्स्टिलेशन के HD 190406 ग्रह की ओर और एक मैसेज भेजा गया था। ये सिग्नल 2059 साल में उस ग्रह में पहुंचने वाला है। इसके अलावा उस साल के 30 जून और 1 जुलाई सजिटा कॉन्स्टिलेशन के HD 187482 एंड सजिटा कॉन्स्टिलेशन के HD 190306 नाम के प्लैनेट की तरफ और दो मैसेज भेजा गया था, जो 2067 और 2051 साल में वहां पहुंचने वाला है। टीनेज मैसेज और टैम एक रेडियो मैसेज की सीरीज है, जो साल 2001 के सितंबर में रशिया के एक रडार से पृथ्वी की तरह 6 प्लैनेट की ओर भेजा गया था। रशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ साइंटिस्ट अलेक्जेंडर के उद्योग से यह मैसेज भेजा गया था। इसके तीन पार्ट है, साउंडिंग, थर्मिन, डिजिटल डेटा, इमेज एंड टेक्स्ट, जिसमें कुछ रशियन बच्चों के गाने, पृथ्वी का सिचुएशन, बाइनरी मैसेज और इमोशनल मैसेज था, और बोला गया था कि हमारा लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चों के इमेजेस भी सेंड किए गए थे। जिन प्लैनेट्स की तरफ ये मैसेज भेजा गया था वो थे डॉल्फिनस, ऊर्सा मेजर, जेमिनी, वर्गो, हाइड्रा एंड ड्रैको। इस लिस्ट को देखने से ही समझ सकते हैं कि किस टाइम में कौन सा सिग्नल कहाँ भेजा गया था और कब तक वो अपने लक्ष्य में पहुंचने वाला है। ए मैसेज फ्रॉम अर्थ। ये सिग्नल साल 2008 में सेंड किया गया था ग्लीजी 581 प्लैनेटरी सिस्टम की ओर और टारगेट ग्रह था HIP 74995। साल 2029 में ये मैसेज पहुंचने वाला है। इन मैसेजेस और सिग्नल्स के अलावा भी बहुत सारे सिग्नल्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, उसके बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे। पर अभी सवाल ये है, क्या कभी इन सिग्नल्स का रिप्लाई आएगा? अगर आया भी तो कितने दिन और कितने साल बाद? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।